हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर शिवानी माँ। सो बच्चों, मेरे पास इतने सारे टाइम से आप लोग ये चीज़ रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम, एम्स पैरामेडिकल के लिए आप हमें प्लीज़ एक 1 मंथ का प्रॉपर प्लानर बना के दो कि हमें लास्ट 1 मंथ में कैसे पढ़ाई करनी है, कौन कौन से चैप्टर्स को प्रायोरिटी में हम लोगों को पढ़ना है, कितने टेस्ट देने हैं, कैसे टेस्ट देना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए थी। सो हियर आई एम विद द सेम वीडियो, एंड इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं ये बताने वाली हूँ कि जो अब 1 महीना आप लोगों के पास बचा है एम्स पैरामेडिकल में, अब 1 मंथ मैं कंसीडर कर रही हूँ, 6th of July में आपका एग्जाम है, तो आज आप 3rd of June को ये एग्जाम वीडियो देख रहे हैं, तो कल से परसों से स्टार्ट करना शुरू करो, है ना। तो इस पूरे 1 मंथ में आपको कौन से चैप्टर को किस दिन पढ़ना है, फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, बायो में क्या पढ़ना है, वो मैं आपको बताऊंगी। प्लस आप लोगों को क्या क्या टाइम टेबल फॉलो करना है। अगर आप लोगों ने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो इस बचे हुए लास्ट मंथ में आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्विट कर देना चाहिए कि अभी तो मैम 1 महीना बचा है, मैंने तो पूरे साल कुछ भी नहीं किया, क्या मुझे एग्जाम के लिए अपियर नहीं होना चाहिए, वो वाले डाउट्स मैं आपको क्लियर करूंगी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सिलेबस पढ़ा है, बट दे हैव नो आइडिया कि टेस्ट कहाँ से देना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं पता होगी, तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। सो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, प्लस आज अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक प्रॉपर एनालिसिस बताती हूँ। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो आपको सबसे पहले उस एंट्रेंस एग्जाम की सारी डिटेल पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली एंट्रेंस एग्जाम में क्या उसके बेनिफिट्स रहते हैं, इसके अंदर कितनी सीट्स है, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है प्रॉपर, आपको किस कोर्स में जाने के लिए कितना कट ऑफ चाहिएगा, वो भी सारी चीजें मैंने बता रखी है। तो आप प्लीज मेरी एक बार प्रीवियस वीडियो देख लेना जाके, बिकॉज मैं इतना ज्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं बताऊंगी, वहां पे मैंने सब कुछ अच्छे से समझाया हुआ है। तो सबसे पहले ये है कि आप अपना एक टारगेट सेट करो। एम्स पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जाम रहता है, इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो पेपर पैटर्न है, इसका आपका पेपर पैटर्न में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो रहता है। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज ये है कि आप लोगों को यहाँ पे जीके नहीं है, विच इज अ प्लस पॉइंट फॉर यू। नर्सिंग में बच्चों को जीके करना होता है, उनके 10 मार्क्स जीके उड़ा देते हैं, है ना। आप लोगों के लिए ऐसा नहीं है कुछ, तो आपको फिजिक्स के यहाँ पे 30 क्वेश्चंस के लिए कम्पीट करना है, केमिस्ट्री में भी 30, अगेन बायो में भी 30, तो टोटल यू विल हैव 90 क्वेश्चंस आएंगे, एंड हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, तो 90 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। तो अब आपके दिमाग में ये होगा, क्या मुझे 90 के 90 मार्क्स के लिए पढ़ना है? अब ये जो 1 महीना बचा हुआ है ना, इस लास्ट के 1 मंथ में आप 100% नहीं कर सकते, आप चाहे 24 आवर्स भी पढ़े, हम नहीं कर पाओ। इसीलिए आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप 100% के लिए पढ़ो ही मत, आपको जितना एक सेफ स्कोर लेके आना है आप उसके लिए पढ़ो। अब आप पूछोगे मैम मेरे को सेफ स्कोर कितना चाहिए, तो मैं आपको सेफ स्कोर भी बताऊंगी कि अगर आपका टोटल 90 मार्क्स का पेपर है, तो हमारे जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट है उनको अपना जो स्कोर है वो 70 तक बना के चलो, कि भाई मेरे को कुछ भी हो जाए 70-75 मान लो, चलो रेंज में ले लेता है। इस रेंज में अगर आपका स्कोर रहता है तो आपको कोई ना कोई एम्स मिल जाएगा, उसके अंदर पर्टिकुलर कोर्स मिल जाएगा। अगर आप एक ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट है, तो आपका ये जो स्कोर है ये 65 के लिए आपको पढ़ के चलना। अगर आप एक एससी कैंडिडेट है तो 60, एसटी कैंडिडेट है तो 55, ये आपका डिटेल रहेगा। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, तो आप अपना स्कोर 45 तक बना के चलना, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर। ये चीज स्कोर सबको दिख रहा है, मैं एक बार थोड़ा सा साइड कर देती हूँ, नोट कर लो प्लीज। मुझसे बार बार ये चीज मत पूछना कि मैम मेरा ये कैटेगरी है, मुझे मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, अभी बता दे रही। तो आज अपना टारगेट बना लो कि हाँ हमें दीदी ने बता दिया है, दीदी मैम जो भी आप मुझे समझते हैं, कि मुझे इतना पढ़ना है। अब आप, मैं हर एक बच्चे के लिए यहाँ पे 70 का मार्जिन लेके बताऊंगी कि भाई अगर आपको 70 स्कोर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो 70 के लिए पीसीबी वाला अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हो, मुझे पता है पीसीएम वाले बच्चे भी होंगे यहाँ पे,
पीसीएम वाले बच्चों के लिए भी बायो की रिप्लेसमेंट में मैथ्स आ जाएगा। तो हमेशा पीसीबी पीसीएम के कंपैरिजन में जब हम देखते हैं तो उनका मैथ्स और बायो दो सब्जेक्ट स्ट्रांग रहते हैं, रहते नहीं रहते। तो यहाँ पे भी मैं आप लोगों से ये चीज एक्सपेक्ट करूंगी कि आप बायो में जो अपना स्कोर है 28 तक बना के चलो, केमिस्ट्री में जो आपका स्कोर है उसको 20 तक बना के चलो, फिजिक्स में जो आपका स्कोर है 15 तक। इतने मार्क्स के लिए अभी आप पढ़ो, ऐड करना जरा इनको कितने का 2, 2, 4 और 5, 58 स्कोर आपका यहीं से बन रहा है आउट ऑफ द 90। कब बन रहा है 58? जब आप अपनी बायो 100% कर रहे हो, केमिस्ट्री में सिर्फ 20 तक रह रहे हो और फिजिक्स तो सिर्फ 50% कर रहे हो, तब आपका इतना स्कोर बन रहा है। अब इन्हीं के अंदर 50% फिजिक्स करा, केमिस्ट्री 70% करा, बायो 100%, बायो नहीं छोड़ेगा कोई भी, बायो 100% करना। इसके बाद हाई वेटेज चैप्टर बढ़ा दो, तो हाई वेटेज अगर आप बढ़ा दोगे तो ये आपका स्कोर 60 से 70 आराम से 10 नंबर आप इम्प्रूव कर सकते हो ना। आप खुद देखो 10 नंबर इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 20 को शिफ्ट करके 25 लाना होगा, इस 15 को शिफ्ट करके 20 लाना होगा, और इस 28 में तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। बताओ आ सकता है ना आपका एक स्कोर से एक स्कोर यहाँ से? और ये जो मैंने आपको रेंज बताया ना, हाईएस्ट बताया, अब आप खुद ये चीज एनालाइज करो, बिकॉज बहुत बच्चे हैं जिनको फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स करो बट हाई वेटेड चैप्टर्स को, केमिस्ट्री करो हाई वेटेड चैप्टर्स के साथ करो। अब बात कर लेते हैं हम हमारे सिलेबस की, तो अगर हम बात करें बेटा सिलेबस का, तो इधर 12th और 11th दोनों का सिलेबस रहता है, बट 12th का वेटेज रहता है 65%। तो मैं आपको बोलूंगी आपको बायो तो करनी है 11th और 12th दोनों, फिजिक्स आप कर लो 12th का सिर्फ, और 11th के कुछ सेलेक्टेड चैप्टर कर लो, कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स। और केमिस्ट्री के केस में आपको 12th तो पूरी करनी ही करनी है, 11th में आपको अराउंड 50% करके चलनी है, पूरी 12th करो 11th 50% कर लो, ये करना। कुछ कुछ समझ में आ रही होंगी चीजें, डोंट वरी, एट द एंड ऑफ द वीडियो आपके माइंड में एक प्रॉपर क्लैरिटी आ जाएगा कि हाँ मुझे पढ़ाई कैसे करनी। अब हमें पता कैसे चलेगा मुझे किस दिन क्या पढ़ना, कब टेस्ट देना है, टेस्ट का लेवल क्या होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग आपको पता है -1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहता है, 3 क्वेश्चन गलत करोगे 1 नंबर कट होगा, पता है ना सबको। वेरी गुड, अब आ जाओ हमारे प्लानर पे। तो मैंने आप लोगों के लिए प्लानर बनाया है, ऐसा ही कुछ प्लानर मैंने हमारे नर्सिंग वाले बच्चों को दिया था जो ऑलरेडी फिनिश होने को आया है, FSTs उन लोगों के चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे ही चैनल पे मेड अबाउट बायो मेनली मैं बच्चों को क्रैश कोर्स कराती हूँ। अब क्रैश कोर्स में क्या रहता है, एज यू ऑल नो कि मैं एक बायोलॉजी एजुकेटर हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को बायो का लाइव क्लासेस मिलेगा। अगर आप मेरे एम्स पैरामेडिकल के क्रैश कोर्स में एनरोल करते हैं, क्रैश कोर्स में एनरोल करने के लिए बता देती हूँ, जो क्रैश कोर्स है पेड क्रैश कोर्स है। अब पेड में मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं ले रहे हैं, हम लोग बहुत मिनिमम सा हम लोगों ने चार्ज रखा हुआ है, दिस इज 299 रुपीज। अभी रिसेंटली हमारा 5th of June तक इसमें ऑफर चल रहा है, जो कि आपको ये 299 का भी 199 में मिलेगा। अब आप खुद देखो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके देख लो, आपको 299 199 में तो टेस्ट सीरीज भी नहीं मिलेगा, और यहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर टाइम टेबल मिल रहा है, पूरी टेस्ट सीरीज मिल रही है, प्लस आपको बायो में लाइव क्लासेस मिल रही है जो कि हमारी गूगल मीट पे होती है। तो मैं आप लोगों को इस पेड क्रैश कोर्स के अंदर ये इंश्योर कराती हूँ कि आप लोगों के एटलीस्ट 11th मैं पूरा क्लास में फिनिश करा दूं। हमारा नर्सिंग वाला क्रैश कोर्स ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, जिससे मैंने लाइव क्लासेस में बच्चों को पढ़ाया। कुछ क्लासेस हमारी यूट्यूब पे भी होती, सारी लाइव नहीं होती गूगल मीट पे, बट गूगल मीट पे हर 3 बच्चों के साथ हम कनेक्ट करते हैं, 1-on-1 बच्चे डाउट पूछते हैं, कोई भी उनके डॉक्यूमेंटल इश्यूज होते हैं, कुछ भी होता है, वो सब उनके 1-on-1 रिजॉल्व कराए जाते हैं। इसके अंदर आपको एक और बेनिफिट मिलेगा, आपका जब रिजल्ट आ जाता है ना, तो उसके बाद सबसे बड़ा कंसर्न होता है काउंसलिंग, कैसे काउंसलिंग कराना है, कैसे चॉइस फिलिंग कराना है, फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड में जाना है तो क्या क्या चीजें करनी है। आपको ये सारे काउंसलिंग के बेनिफिट इसी क्रैश कोर्स के अंदर मिलेंगे। तो आप लोगों की और मेरी जो जर्नी रहेगी वो सिर्फ 1 month की नहीं रहेगी, आप लोगों का जब सिलेक्शन हो जाएगा, एम्स में पहुंच जाओगे, तब तक की हमारी जर्नी रहेगी इसके अंदर। तो अगर आप इस क्रैश कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, जिसकी क्लासेस 5th of June से ही स्टार्ट हो रही है, उसमें आप लोगों को एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा,
एज वेल एज मैं आप लोगों को इधर भी व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा रही हूँ। आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज ड्रॉप करने की आई वांट टू जॉइन एम्स पैरामेडिकल क्रैश कोर्स, तो आपको वहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको पे करना है एंड देन आपका मेरा टीम वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जो भी हमारे नए व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हैं उसमें इनरोल कराएंगे एंड वहीं पे आपको सारी डिटेल्स मिलना शुरू हो जाएंगी। कब क्रैश कोर्स बनेगा, कैसे टाइम टेबल फॉलो करना है, क्या चीजें करनी है, सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, चल। एंड एम्स नर्सिंग में अगर मैं आपको बताऊँ, एम्स नर्सिंग में मेरे पास 250+ स्टूडेंट्स हैं, 250+ स्टूडेंट जो रेगुलर लाइव टेस्ट भी दे रहे हैं सीबीटी मोड में, एज वेल एज लाइव क्लासेस भी लेते हैं गूगल में। पैरामेडिकल के भी जो ये 5th जून वाला क्रैश कोर्स है, मैं यूट्यूब पे लेट अनाउंस कर रही हूँ, बट मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो बच्चे कनेक्टेड हैं वो ऑलरेडी एनरोल्ड है। पैरामेडिकल में भी 60+ स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल कर चुके। तो अगर आप चाहें अभी, यू हैव 2 डेज, सिर्फ 2 दिन और हैं 5th जून के बाद, कोई एनरोलमेंट मैं नहीं कराऊंगी, आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा, अब मैं आपको प्लानर दिखा देती हूँ। ये हमारा प्लानर रहेगा, सेम बायो में अगर आप लोगों की लाइव क्लासेस चल रही है तो 5th जून में मैं आपको ये चैप्टर कराऊंगी। 6th जून मतलब आपको क्या करना है ना इस क्रैश कोर्स में, बायो में आप लोगों को खुद से कुछ नहीं करना है, सिर्फ लाइव क्लास में आना है, पढ़ना है अच्छे से, दैट्स इट, और रिविजन करना। आपका जो पूरा का पूरा फोकस रहेगा वो फिजिक्स और केमिस्ट्री पे रहना चाहिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री के मैं आपको टीचर्स रिकमेंड करूंगी, बट प्लीज ये मत बोलना कि मैम आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा दो, वो नहीं, मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर्स रिकमेंड करूंगी। यूट्यूब से आप पढ़ना नहीं मिलता है, आई शेयर यू द वन शॉट सेशंस। क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, डीपीपीज मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा पीडीएफ फॉर्म। 5th जून को आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, ऐसे ही आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऐसे ही करते हुए हमारा पूरा 1 वीक तक हम क्लासेस लेंगे। 10th जून में हमारा रिविजन डे रहेगा और 11th जून में हमारा होगा फर्स्ट मॉक टेस्ट। ऐसे ही मॉक टेस्ट देते देते आप अपना पूरा सिलेबस कब फिनिश कर लोगे पता ही नहीं चलेगा। फर्स्ट मॉक टेस्ट, सेकंड मॉक टेस्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 मॉक टेस्ट होंगे आपके इसके अंदर, एंड देन 5 इसके अंदर आपको फुल सिलेबस टेस्ट मिलने वाले हैं। ऐसे करके हम 5th जुलाई तक अपने पूरे सिलेबस के साथ इंश्योर हो जाएंगे कि यस वी आर रेडी, अब हम एग्जाम देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ये पूरा प्लानर आप लोगों को मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इफ यू वॉन्ट आप इसका प्रिंट करा के रख सकते हो अपने पास, नहीं क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है नो वरीज, इट्स कम्प्लीटली अप टू योर चॉइस। अगर आपको लगता है आपका बायो हो रखा है अच्छे से, आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, आप सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन कर सकते हो। आपको चाहिए कि नहीं मैम हमें बायो भी करना है तो आप बायो के लिए ज्वाइन कर लो, बट इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। आपको मेहनत करनी है, आपको पढ़ना है, मेरा रोल सिर्फ और सिर्फ एक मोटिवेटर का रहेगा, एक टीचर का रोल रहेगा जिसमें मैं आप लोगों को गाइड करूंगी कि हाँ आपको ऐसे करना, आप कहीं भटक रहे होंगे, आपका मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, डांट भी लगेगी आपको, मोटिवेट भी करेंगे कि क्यों गलत आया, क्यों आपका स्कोर डाउन हो रहा है, उस चीज पे भी हम लोग वर्क करें, बट एक टच बना के रखना है टीचर के साथ। आई होप आप लोगों का जो 1 मंथ वाला चीज था वो थोड़ा थोड़ा रिजोल्व हो रहा होगा। अब इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ टाइम टेबल, ठीक है, कि भाई आप लोगों को अगर पढ़ाई करनी है ना तो क्या टाइम टेबल आपको फॉलो करना चाहिए। तो लेट्स मूव ऑन टू द टाइम टेबल वाला पार्ट। तो देखो बेटा, टाइम टेबल में हमेशा आपको अपने पूरे दिनचर्या को 3 स्लॉट्स में डिवाइड करना है। मैं हमेशा बोलूंगी यहाँ पे 2 टाइप के बच्चे होते हैं, एक वो जिनको सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पसंद है, एक वो जिनको लेट नाइट तक पसंद है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जाओ, आप ये मत सोचो कि इन्होंने बोल दिया है कि नहीं सुबह जल्दी उठना तो जल्दी उठ, ऐसा कुछ नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग चलो, अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है कि आपको सुबह जल्दी उठना है तो मैं बोलूंगी कि सुबह आपको लगता है जल्दी उठना है तो आप 5 बजे उठ जाओ, 5 से लेके 7 बजे तक जो इन 2 घंटे है ना, इन 2 आवर्स को आप सिर्फ रिविजन के लिए यूज करो, क्योंकि सुबह में माइंड जो होता है ना सबसे ज्यादा फ्रेश रहता है, उसमें रिविजन करो। रिविजन इज लाइक जो पढ़ चुके हो पुराना, क्योंकि ये नहीं नया नया पढ़ते जाना, रिवाइज करते जाना। रिविजन से सिलेक्शन होता है, कंसिस्टेंसी बना के रखने से सिलेक्शन होता है, 100% सिलेबस कवर करने से कभी सिलेक्शन नहीं होता है, ये चीज इंश्योर करना है। उसके बाद आप ब्रेक लो आराम से 2 घंटे का, 9 AM से लेके 12 बजे तक आप पढ़ो फिजिक्स। इस टाइम में क्यों फिजिक्स बोल रही हूँ, क्योंकि भाई सुबह उठे उसके बाद नहाओगे, ब्रेकफास्ट करोगे, सबसे फ्रेश रहोगे, नींद नहीं आएगी, दिन के टाइम में नींद आएगी अभी गर्मी में, तो सुबह में इस टाइम फिजिक्स पढ़ो। फिर इसके बाद ब्रेक लो 30 मिनट्स का, एंड चलो 1 बजे तक ले लेते हैं, 1 बजे से लेके
चार बजे तक पढ़ो बायोलॉजी, क्योंकि इस टाइम में बायो इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, नींद नहीं आएगी। चार बजे तक पढ़ा, 5 बजे तक पढ़ लो, उसके बाद देन अगेन 30 मिनट्स का ब्रेक लेना, पर इसके बाद आपका 6:30 से नेक्स्ट स्लॉट आप कंसीडर कर लो, 6:30 से लेके अराउंड इसको कंसीडर कर लो 10 PM तक, इस टाइम में आपको केमिस्ट्री करना है। ऐसे 3 स्लॉट्स में डिवाइड करो और 10 बजे के बाद आप ब्रेक लो, फिर 12 बजे तक, 1 बजे तक, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, 12-1 बजे तक, फिर उसके बाद रिविजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एंड दिस इज द टाइम पीरियड जिसमें, जैसे मैंने आपको बोल दिया 5 जून में आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, तो आप 9 बजे से 12 बजे तक करंट इलेक्ट्रिसिटी पहले पढ़ चुके हो अगर, तो रिविजन करो नोट्स है, नहीं पढ़ा है तो वन शॉट देखो, डिटेल्ड लेक्चर नहीं देखना, वन शॉट देखना, पूरे नोट्स नहीं बनाने, फॉर्मूला शीट बनानी है, वन शॉट देखा, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, ये करना। सेम इन द केस ऑफ बायो, जो चैप्टर दिया उसको पढ़ो, रिवाइज करो, एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ। सेम इन द केस ऑफ केमिस्ट्री, जो चैप्टर दिया करो, बस बैकलॉग नहीं रखना, जो एक दिन में बोला है वही एक दिन में होना चाहिए, उतना करके चलना। अगर आप ऐसे प्रिपेयर करोगे 1 मंथ तक, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाए, नो वन कैन बीट यू, बस इतना ध्यान रखना, खुद पे भरोसा रखो, हो जाएगा। सो आई होप अगर इसके अलावा आप लोगों के और कोई डाउट्स बच गए हैं तो आई एम हियर, आप कमेंट सेक्शन में डालना, ठीक है, कमेंट में डालना, एंड आई ट्राई टू रिजॉल्व दिस, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, एज वेल एज आप लोगों की लाइव क्लासेस भी हमारी सेम चैनल पर अवेलेबल रहेंगी, नर्सिंग के बाद भी पैरामेडिकल की रेगुलर क्लासेस चलेंगे, बायो का जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, कुछ कुछ वन शॉट चैप्टर्स करेंगे, मैराथन क्लासेस लगाएंगे, सब आप लोगों को हेल्प मिलेगा। ओके देन, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।